फ्रेंडशिप डे संडे था। गट्टू चिंकी वीडियो गेम खेल रहे थे। पापा जल्दीबाजी में तैयार होकर हॉल में आए और गट्टू चिंकी को देखकर बोले, बस हुआ वीडियो गेम, होमवर्क करो। गट्टू चिंकी ने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी हॉल में आई और पापा से बोली, कहाँ जा रहे हो, आज तो संडे है। भूल गई, आज गांव से लक्ष्मी दीदी आने वाली है, उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। भीमू भी है साथ में। भीमू का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी ने मुंह बनाया, भीमू। चलो मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर पापा निकल गए तो गट्टू चिंकी ने मम्मी से पूछा, मम्मी ये भीमू कौन है? पापा की एक दूर की बहन है, उनका बेटा है भीमू, तुम्हारी ही उम्र का है। उसकी माँ अस्पताल आ रही है तो वो भी साथ आ रहा है। ऐसा कहकर मम्मी तो निकल गई, लेकिन गट्टू चिंकी उलझन में फंस गए। अरे बाप रे बाप, हमें उस भीमू के साथ खेलना होगा, उसके साथ सब कुछ शेयर करना होगा। गांव वाला है, मैंने सुना है गांव वाले बड़े अजीब होते हैं, कहीं ये भीमू हमारे खिलौने ना खराब कर दे। आइडिया, हम सारे खिलौने छिपा देते हैं और होमवर्क करने बैठ जाते हैं, फिर ना तो हमें भीमू के साथ खेलना पड़ेगा और ना ही कुछ शेयर करना पड़ेगा। गट्टू चिंकी ने कमरे में आकर सारे खिलौने छिपा दिए। गट्टू ने साइकिल भी छिपा दी और दोनों हॉल में बैठकर होमवर्क करने लगे। थोड़ी देर बाद पापा, लक्ष्मी बुआ और भीमू के साथ घर आए तो मम्मी उनका स्वागत करने लगी, लेकिन गट्टू चिंकी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। भाभी कैसे हो, बच्चे कैसे हैं? हम ठीक है, पर आपने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। कहो भीमू, कैसा है मामा का घर? बहुत बड़ा है। तभी पापा कहने लगे, दीदी चलो, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, भीमू तू गट्टू चिंकी के साथ खेल। तभी पापा ने देखा कि गट्टू चिंकी होमवर्क कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ बाद में खेलेंगे, तब तक तुम टीवी देखो। पापा और लक्ष्मी बुआ निकल गए। मम्मी ने भीकू को टीवी लगाकर दिया। बच्चों मैं शुक्ला आंटी के घर जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। मम्मी जाते ही गट्टू चिंकी हॉल से भाग गए और भीमू अकेला ही टीवी देखता रहा। गट्टू चिंकी कमरे में आकर वीडियो गेम खेल रहे थे, तभी भीमू आया और उनके पास बैठ गया। क्या खेल रहे हो, तुम जाकर टीवी देखो ना। नहीं, मुझे खेलना पसंद है। तो जाओ खेलो। अकेले कैसे, तुम भी चलो, तुमने गिल्ली डंडा खेला है। तुम जरा शांत बैठो। तुम्हारे पास साइकिल है? नहीं है। है, माँ कह रही थी तुम्हारे पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है। मैंने बाबा से मांगी तो बाबा बोले पहले बड़ा हो जा। इस प्रकार भीमू बातें करता रहा, पर गट्टू चिंकी ने ना तो उसके सवालों का जवाब दिया और ना ही उसके साथ बातें की। दोपहर को गट्टू चिंकी ने साइकिल निकाली और सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे। भीमू भी उनके पीछे पीछे आया तो गट्टू बोला, तुम यहाँ क्यों आए? ऊपर बैठकर ऊब गया था, अच्छी साइकिल है तुम्हारी। तुम उधर बैठो, हमें खेलने दो। बेचारा भीमू बैठ गया और गट्टू चिंकी साइकिल खेलने लगे। मम्मी वहाँ आई तो उन्होंने देखा भीमू अकेला बैठा है और गट्टू चिंकी साइकिल के मजे ले रहे हैं। यह देखकर मम्मी दुखी हो गई। रात हो गई, पापा और लक्ष्मी बुआ घर आ गए। फिर सबने मिलकर खाना खाया और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बुआ बोली, चलो भैया हम चलते हैं, 9 बजे की ट्रेन है। ये क्या, रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। नहीं भाभी, इनका खाना पीना और भीमू का स्कूल भी तो है, हम फिर कभी आएंगे। भीमू गांव लौटेगा, यह देखकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। तभी भीमू बोला, माँ तुम कुछ भूल रही हो। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया, जा थैली लेकर आ। भीमू थैली लेकर आया। लक्ष्मी बुआ ने थैली से एक पोटली निकाली और मम्मी को देते हुए कहा, इसमें जंगली बेर है, बड़े खट्टे मीठे होते हैं, भीमू ने खुद जंगल से लाए हैं। कहने लगा मामा के घर जाएंगे तो गट्टू चिंकी के लिए बेर लेकर जाएंगे, शहर में कहाँ मिलेंगे ऐसे बेर, इनके पैर में बहुत सारे कांटे भी चुभे, फिर भी ये बेर लाए बिना नहीं माना। मम्मी ने गट्टू चिंकी की तरफ देखा तो दोनों रो रहे थे। मम्मी सब समझ गई
और भीमू से बोली, गट्टू चिंकी के लिए लाया ना, तो जा अपने हाथ से उन्हें दे आ। भीमू बैर की पोटली लेकर गट्टू चिंकी के पास आया और बोला, ये लो जंगल से लाया हूँ, एक बार खाओगे तो सारे बेर खाओगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी एकदम से रोने लगे और रोते रोते भीमू से लिपट गए। यह दृश्य देखकर मम्मी पापा और लक्ष्मी बुआ सबकी आंखें भर आई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।